गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के आपने सामाजिक व्यवस्थाएं पढ़ी, उसमें आपने अंधविश्वासों में दयानंद सरस्वती ने भी क्या किया, विरोध किया है कि किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास के अंदर अपना जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। स्त्रियों की स्वतंत्रता की भी बात की उन्होंने, उनका भी समर्थन किया है कि जब तक समाज के अंदर यदि स्त्रियों को आगे नहीं लाया जाएगा, उनको उनके अधिकारों के बारे में नहीं समझाया जाएगा, तो उस राष्ट्र का निर्माण भी होना अति दुर्बल की बात है। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी समाज के अंदर सुधार किया, बाल विवाह पर रोक लगाई, विधवा विवाह को पुनर्विवाह करने की चेतना दी, और जो बहुविवाह था उनके ऊपर प्रतिबंध किया। तो इसलिए काफ़ी जो समाज के अंदर सुधार की जो बातें थी वो दयानंद सरस्वती ने बताई है। अब आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं धार्मिक विचार, दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। यानी दयानंद का जो कार्य क्षेत्र था वो धार्मिक था। उनका ये कहना था कि धर्म में धार्मिक मान्यताओं के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर प्रचंड आक्रमण किए तथा वेदों का हिंदू धर्म को मूल स्रोत घोषित करके वैदिक मान्यताओं के वर्णित हिंदू धर्म की उदार और तार्किक व्याख्या की। उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने यही कहा है कि जो धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास हैं उनके ऊपर उन्होंने भारी आक्रोश जताया कि ऐसा नहीं, धर्म के उद्धार की व्याख्या, धर्म के प्रति उद्धार की व्याख्या। दयानंद ने धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु उनके धार्मिक जो दृष्टिकोण था वो संकीर्णता थे। दयानंद ने धर्म की व्याख्या के प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया। उनके धर्म पूजा और अर्चना की पद्धति मात्र नहीं, दयानंद के अनुसार धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना। दयानंद ने धर्म को आचरण की ऐसी निष्ठा के रूप में व्यक्त किया जो व्यक्ति को सत्य और न्याय के प्रति समर्पित बनाती है तथा उनमें अन्याय और असत्य का दृढ़तापूर्वक विरोध किया, साहस उत्पन्न करती है। और दयानंद ने अनुसार वेदों ने मनुष्य को आचरण के उन नैतिक मूल्यों का संदेश दिया कि उसमें व्यक्ति धर्मनिष्ठ व्यवहार कर सकता है। ईश्वर ने वेदों में मनुष्य को जो कुछ करने की आज्ञा दी वह धर्म, और जिसे करने की प्रेरणा नहीं दी वही अधर्म कहलाता है। तो कहने का मतलब यही है कि धर्म के प्रति दयानंद सरस्वती ने काफ़ी धार्मिक दृष्टिकोण में संकीर्णता के लिए स्थान नहीं रखते हुए उन्होंने दृष्टिकोण को अपनाया और ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करने की बात कही है। अगला है एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकार स्वरूप में आस्था तथा अवतारवाद का विरोध। दयानंद सरस्वती का यही कहना है कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद यानी ईश्वर क्या है, एक है, अनेक नहीं है, हम उन्हीं की संतान हैं। धर्म कोई भी हो, चाहे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी धर्म हो, लेकिन सभी का ईश्वर एक है। तो इसलिए जो ईश्वर एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकार स्वरूप के आस्था पर अवतारवाद का जो विरोध किया है वो अशून्यनिष्ठ थी कि प्रत्येक सांसारिक पदार्थ और विषय के मूल में परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। यानी जो संसार में जो भी कोई वस्तु है वह सभी क्या है, ईश्वर के समान ही मानते थे। दयानंद एकेश्वरवादी थे। उनके अनुसार ईश्वर के नाम भले ही कई अनेक होंगे लेकिन ईश्वर क्या था, एक था। उन्होंने यही कहा कि वेद ईश्वर को अद्वितीय अर्थात एक ही बताया है। ईश्वर सदैव अद्वितीय है, उस परम ब्रह्मा से भिन्न कोई नहीं है, उसका एकत्व असंदिग्ध है, वह शून्य भी नहीं है, लेकिन जो सच्चिदानंद आदि का लक्षणों से युक्त एक भूत परमात्मा है वही सदैव से परिपूर्ण और सर्वत्र पर्याप्त होकर पृथ्वी आदि सब लोकों की रचना करके उन्हें अपने सामर्थ्य से धारण कर रहा है। वह अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। तो यही है कि ईश्वर है वो क्या है, ईश्वर में निराकार स्वरूप में सहज आस्था के कारण दयानंद यही कहता है कि धर्म प्रचलित बहुदेववाद और अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया
और वेद विरुद्ध अप्रमाणित प्रकृति को माना। तो यही है कि उन्होंने ईश्वर एक माना है, कि ईश्वर अनेक नहीं है, भले नाम अनेक है लेकिन फिर भी ईश्वर क्या है, एक है और हम उन्हीं की संतान है। धर्म चाहे कोई भी हो, वो कोई उसको अल्लाह बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई रहीम बोलता है, लेकिन भगवान एक है। नाम अनेक होने से भगवान अनेक नहीं है, हम उन्हीं की संतान है और ईश्वर एक है। यानी एकेश्वरवाद में विश्वास था, भूतवाद में उसका विरोधी था। मूर्ति पूजा का खंडन। मूर्ति पूजा, आपने मूर्ति पूजा के बारे में तो अपने पीछे उनके जो भूमिका पड़ी थी उसमें भी पढ़ा है कि वास्तव में सरस्वती को जिज्ञासा उत्पन्न करने का एक यह था कि वास्तव में भगवान कहाँ है। उन्होंने यही सोचा क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के प्रवृत्ति का था और उनके माता पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के ही थे, इसलिए वह धर्म से जुड़ा हुआ था। उन्होंने यही सोचा कि भगवान 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 करते हैं तो भगवान है कहाँ, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा वो शिवलिंग की उसके ऊपर जब चूहे ने इस तरह का उनके साथ में व्यवहार करते देखा तो ये उन्होंने यही सोचा कि क्या एक भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा वो कैसे कर सकेगा, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और एक के शुरुआत में विश्वास किया कि क्या है भगवान, क्या निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। भगवान किसी को आज तक नहीं दिखे कि कैसा भगवान है, निराकार है, वह स्वतः ही ब्रह्मांड की रक्षा करता है। इसलिए मूर्ति पूजा की स्वाभाविक क्या था, ये विरोधी था और मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है तथा इनका कोई प्रमाणिक तार्किक आधार भी नहीं बताया गया है। मूर्ति पूजा निरर्थकता का प्रतिपादन करते हुए उन्हें कहा है कि सर्वव्यापी और समस्त जड़ चेतना का सर्जन करने वाले ईश्वर के स्वरूप को एक पाषाण की मूर्ति तक सीमित मान लेना ईश्वर के अस्तित्व की सर्वव्यापी निकालने की सामना समान नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि जो ईश्वर की जो मूर्ति पूजा जो है वो क्या है, एक बिजनेस बना रखा है लोगों ने, जिससे पंडितों को इनसे क्या है, उनको उनका जीवन चलता है और वो अपनी मनमर्जी करते रहते हैं, प्रकृति को भी नुकसान होता है, उन फूल वह और ये इनको चढ़ाते हैं, फिर वो दुर्गंध होके नाले से होती हुई निकलती है। तो इसमें क्या है, दोष बताए हैं कि प्रकृति में भी इसमें दूषितता फैलती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि किसी मूर्ति पूजा को, किसी मूर्ति को ईश्वर मानकर उसकी एकाग्रता पूर्वक साधना नहीं की जा सकती, क्योंकि मूर्ति का एक निश्चित आकार होता है और उस आकार के सामने रहने से मूर्ति पूजा के कर्म में भी मनुष्य का ध्यान उससे समानता रखने वाली अन्य स्थूल व भौतिक वस्तुओं से नहीं हट सकता। दूसरा बताया कि मूर्ति पूजा के कारण आडंबरों को प्रश्रय मिलता है तथा मंदिरों में के निर्माण और उनके तथा उनमें नियुक्त पुजारियों के निर्वाह में करोड़ों रुपए व्यय होता है, जबकि इस धन का अधिक सार्थक उपयोग साधनहीन लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकता है। अगली बात बताई है कि मूर्ति को ईश्वर मानकर व्यक्ति इसी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन मान लेता है तथा भाग्यवादी बन जाता है। यानी मूर्ति पूजा ही एक सब कुछ नहीं है, वास्तव में अपनी आत्मा के अंदर, अपने आत्मा में ढूंढना है कि परमात्मा कहाँ है, तो एकाग्र होकर उनको अपनी आत्मा से ही मतलब साधना करनी है। तो मूर्ति पूजा के कारण ईश्वर के अनेक और ईश्वर के विषय में अनेक मत प्रचलित हो जाते हैं कि मूर्तियों में चित्रित कथित ईश्वर की विविधता के कारण पुजारियों और अनुयायियों के मध्य भी मतैक्य नहीं रहता है और वे एक दूसरे के विरुद्ध मत के हो जाते हैं तथा अपने मत को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध करने लगते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा समाज को विघटित करती है और राष्ट्र की शक्ति को क्षय करती है, यानी नुकसान पहुंचाती है। मंदिरों में मूर्ति पूजा के नाम पर महंतों, पंडों और पुजारियों के निहित सिद्धार्थ स्वार्थों का पोषण होता है और ये लोग समाज के हित में कोई सार्थक कार्य किए बिना जनता के धन पर संपदा का जीवन बिताते हैं। मूर्तियों को ईश्वर मानकर तथा कथित श्रद्धालु लोग माता पिता व गुरुजनों जैसे सजीव देवताओं की उपेक्षा करके पाषाण की मूर्ति के आगे श्रद्धापूर्वक शीश नवाकर अपने धर्म और कर्तव्यों के पालन की इतिश्री समझ लेता है। यानी जो वास्तव में जिंदा है, जो माता पिता है, गुरु है, वास्तव में भगवान है, इनकी पूजा की बजाय वह एक मूर्ति के अंदर विश्वास करता है और वो सब कुछ अपनी उसी को मानता है, तो ये भी क्या है, एक क्षति है। पुष्प और अन्य वनस्पतियों को स्वाभाविक रूप में पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, उन्हें तोड़कर मंदिरों में मूर्तियों पर चढ़ा दिया जाता है। इसके कारण इन
पुष्पों और वनस्पतियों की सुगंध और हरितिमता सब पदार्थ मंदिरों के बाहर कुंडों या अन्य ऐसे स्थानों पर डाल दिए जाते हैं। ये पदार्थ सड़कर दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, ये पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो यानी उन्होंने कहने का तात्पर्य ये है कि मूर्ति पूजा का उन्होंने क्या किया, खंडन किया है कि मूर्ति वास्तव में मूर्ति पूजा एक भगवान का रूप नहीं है, ये तो एक पाषाण मूर्ति है। क्या भगवान इतना सा है, क्या भगवान का कोई आकार है ताकि यही यहीं से पहाड़ों से जो पत्थर है उन्हीं से और लोगों ने बना करके उनका आकार बना करके और मंदिर में बैठा दिया, करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जिससे कि ये भगवान है, और उसमें लोग अपने अंधविश्वास में लग के उन मूर्ति के अंदर भगवान को खोजने लगते हैं। जैसे अपने माता पिता है, गुरुजन है, उनको छोड़ के वह मूर्ति के अंदर अपना भगवान ढूंढते हैं। ऐसा नहीं, वास्तव में भगवान आत्मा ही परमात्मा है। यदि आत्मा को आप शुद्धिकरण से करके किसी व्यक्ति का आप सहयोग करोगे तो वहीं पर आपको क्या मिलेगा, भगवान मिलेगा। इसलिए दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का खंडन करता है कि एकेश्वरवाद एकेश्वरवादी है, क्योंकि भगवान एक है, उनके नाम अनेक होने से भगवान अनेक नहीं हो सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए आत्मा को ही, एक दूसरे को सहायता देने के लिए। धन्यवाद।